गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हियर अवर टॉपिक इज बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन. और बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको XOR ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि XOR ऑपरेशन होता क्या है. XOR ऑपरेशन समझने के लिए हम सपोज हमारे पास दो वेरिएबल हैं. अब हमारे पास अगर दो वेरिएबल हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 की पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. तो हम यहाँ पे इसके 4 कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं. कौन कौन से होंगे? 00, 01, 10 और 11. यहाँ पे मुझे XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो A XOR का सिंबल होता है दिस, A XOR B. सेम स्टेट के लिए इसकी XOR की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है. तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है इसकी बाइनरी वैल्यू को हम बता रहे हैं. तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? 0. और B की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर? 0. तो ये दोनों ही सेम है, इसलिए XOR जो होगा वो 0 होगा. सेम के लिए 0 होता है. और डिफरेंट के लिए यहाँ पे A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 1 है. डिफरेंट के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है. यहाँ पर भी ये डिफरेंट है, A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 है. तो XOR A XOR B 1 होगा. यहाँ पर सेम है 1 और 1, तो A XOR B की वैल्यू क्या होगी? 0. तो ये हमारा XOR ऑपरेशन है. अब हम यहाँ पे A XOR B का एक्सप्रेशन देखते हैं. तो लेट अस अज्यूम दैट कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है A B का, A B वेरिएबल का, दो वेरिएबल का एक फंक्शन है और दैट इज इक्वल टू A XOR B. और इसका अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं तो हमको पता है कि जहां पर इसकी वैल्यू 1 होती है, आउटपुट की वैल्यू, ये हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट. तो ये हमारा आउटपुट है और ये दोनों हमारे क्या है? इनपुट, इनपुट वेरिएबल्स हैं. ये हमारे क्या है? इनपुट वेरिएबल्स हैं और ये हमारा आउटपुट. तो आउटपुट में जहां पे इसकी वैल्यू 1 होती है वो इनपुट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मिनटर्म कहलाता है. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिनटर्म कहलाएंगे. तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर? 0 के लिए हमेशा बार लिखते हैं. तो A की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा A बार. और B की वैल्यू यहाँ पर क्या है? B की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा B. यहाँ पर A की वैल्यू क्या है? 1, तो ये हो जाएगा A. B की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा B बार. तो ये एक मिनटर्म इसका हुआ. दूसरा मिनटर्म तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A बार B प्लस A B बार, ये दोनों टर्म. तो ये हमारा A XOR B का हो गया. आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्स टर्म के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो हम जानते हैं कि अगर आउटपुट में जहां पे 0 होता है, जहां जहां पे 0 होता है वो इनपुट वेरिएबल मैक्स टर्म में होता है. तो ये दोनों टर्म जो होंगे वो किस में होंगे? मैक्स टर्म में. तो मैक्स टर्म को हम कैसे लिखेंगे? मैक्स टर्म के लिए 0, जहां पे 0 होता है, इनपुट वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है तो मैं उसे लिखती हूँ A. और यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? 0 है तो ये हो जाएगा प्लस B. उल्टा होता है. यहाँ पे हम वही चीज A बार लिख रहे थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A. और 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? A बार. और चूंकि ये सम टर्म है यानी मैक्स टर्म है, इसलिए हमने लिखा प्लस. और B की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, तो ये हो गया B बार. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस B इंटू A बार प्लस B बार. ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो होते हैं वो A XOR B को रिप्रेजेंट करते हैं. ये मैक्स फॉर्म में है और ये मिनटर्म फॉर्म में है, ये मैक्स टर्म फॉर्म में. तो अब हम देखते हैं कैसे हम बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं. तो XOR का मेन ऑपरेशन आपको समझ में आया? XOR का मेन ऑपरेशन ये है कि सेम डिजिट के लिए, अगर A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 0 है, सेम डिजिट के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होता है, XOR 0 होता है. और डिफरेंट डिजिट्स अगर हैं, A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1, डिफरेंट डिजिट है, तो XOR ऑपरेशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? 1. तो ये हमारा XOR, अगर मैं ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो ये वैल्यू हमको अचीव होगी. अब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू ग्रे. सपोज हमारे पास कोई बाइनरी कोड है, जैसे स्मॉल बी सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट किया है,
1 0 1 1 0 0 1, ये हमारे कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का हमारे पास एक बाइनरी कोड है। ये हमेशा याद रखिए, आपको आगे भी काम आएगा। जो राइट मोस्ट बिट होती है, जो राइट मोस्ट बिट होती है वो हमेशा LSB कहलाती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लेफ्ट मोस्ट होती है वो हमारी MSB कहलाती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये बिट हमारी MSB और ये बिट हमारी LSB कहलाएगी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब मुझे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो जब भी हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा MSB से होती है। कहाँ से होती है? MSB। तो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज ही रखना है, दैट इज 1, ये 1 है तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। अब ये जो दो डिजिट हैं MSB और उसके बाद वाली जो बिट, इन दोनों बिट में आपस में क्या होगा? XOR। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? XOR ऑपरेशन। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर डिजिट डिफरेंट होती है तो हमेशा क्या आता है? 1, और अगर सेम होगी तो 0। तो यहाँ पे डिजिट क्या है? डिफरेंट है, ये 1 है और ये 0, तो आउटपुट में क्या आएगा, हमारे आउटपुट में क्या निकलेगा? डिफरेंट के लिए 1। फिर इन दोनों में हम XOR करेंगे, 0 1 0 1, फिर से डिफरेंट है तो वैल्यू आ गई 1। इन दोनों का XOR करेंगे तो ये क्या है? सेम डिजिट, 1 और 1 सेम डिजिट हो गई, तो सेम डिजिट का XOR क्या होगा? 0। फिर से यहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स हैं तो ये डिफरेंट डिजिट के लिए 1, और सेम डिजिट यहाँ पे फिर से क्या है? सेम डिजिट है, सेम डिजिट का XOR लिया है तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? 0। सेम के लिए 0 और डिफरेंट के लिए 1, यही होता है हमारा XOR ऑपरेशन जो यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट को एज इट इज ही रखेंगे, एंड देन इसके बाद एक एक करके हम XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इन दोनों के बीच में XOR ऑपरेशन, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के और कोई होता तो नेक्स्ट। तो अभी लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट रह गया है, इन दोनों के बीच में XOR होगा। अब यहाँ पे क्या है? 0 और 1 0 1 है तो क्या है? डिफरेंट डिजिट्स, डिफरेंट डिजिट के लिए आउटपुट की वैल्यू 1। ये हो गया हमारा फाइनल, ये हो गया हमारा ग्रे कोड, दिस इज ग्रे कोड। इसको मैंने स्मॉल G से रिप्रेजेंट किया है। अब इन कोड के बिट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी चूंकि LSB है तो उसको हम G0 से रिप्रेजेंट किया है। G ग्रे के लिए इंडिकेट हो रहा है और नॉट जो है वो LSB बिट ये होगी, और ये कौन सी बिट होगी? MSB। तो G0, G1, G2, G3, G4, G5 और ये G6, ऐसे करके हमारे पास टोटल कितनी है? 7 डिजिट है, 0 to 6 तक। ये ग्रे कोड के लिए हमने बिट सिंबल लिया है। इसी तरह से हम बाइनरी के लिए भी ले, तो बाइनरी के लिए ये हो जाएगी B0, B1, B2, B3, B4, B5 और ये B6। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, ग्रे कोड का एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले अगर हम एक्सप्रेशन निकालें तो यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करेंगे इसको, क्योंकि हमने कन्वर्जन कहाँ से स्टार्ट किया था? MSB से कन्वर्जन स्टार्ट किया था और MSB से LSB की तरफ गए थे, इसलिए इसका जो एक्सप्रेशन भी निकलेगा वो हम कहाँ से निकालेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे यहाँ पे क्या है? G6। तो G6 कैसे हमको अचीव हुआ है? एज इट इज हमने क्या रखा है? B6, तो ये B6, जो B6 की वैल्यू होगी वही G6 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट G5, आप बताइए क्या होगा? G5 कहाँ से मिला है? ये ग्रे बिट कहाँ से हमको मिली है?
B6 और B5 का XOR ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यानी B6 XOR B5। G4 होगा हमारा यहाँ पर। G4 कहाँ से मिला है? B5 XOR B4, ये G4 है। B4 को B5 से XOR किया है, यानी B5 XOR with B4। सेम G3 के नहीं बनाइए, G3 इज इक्वल टू B4 XOR with B3। G2 कैसे अचीव हुआ? G2 B2 XOR with B3, यानी B3 को XOR किया है हमने B2 से, और G1 XOR हुआ है B1 और B2 XOR में, यानी B2 XOR with B1, और G0 B1 XOR with B0। G0 कैसे है? B1 XOR with B0। तो ये हमारे क्या हो गए? एक्सप्रेशन के थ्रू हम कैसे ग्रे कोड रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कैसे हम बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, यानी रिवर्स ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। और होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कोड कन्वर्जन, स्पेशली बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि है उसमें हम आपको बताएंगे ग्रे कोड को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।